हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विवेक त्रिपाठी सर पे, जहाँ पे हमने एक नया सेक्शन स्टार्ट किया है डिफेंस का। जो बच्चे प्लस वन है प्लस टू में है उनको भी गाइड करने का काम हम शुरू कर रहे हैं ताकि आपको जल्द से जल्द नौकरी मिले। उसी संदर्भ में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जिन बच्चों को ये पता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में जिन्होंने फॉर्म भरा था नवंबर में, उनके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बच्चे, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, उसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता इन बदलाव के बारे में तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई छोटा भाई बहन या कोई फ्रेंड जो तैयारी करना चाहता है प्लस वन में है और आगे, भाई तो नहीं कर पाएगा, बहन को करना पड़ेगा अगले साल, अगर वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जाना चाहती है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करेगा। चलिए, क्या है बड़े बदलाव? जैसे आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़े बदलाव आए हैं, बहुत बड़े बदलाव यहाँ पे आ चुके हैं। तो इन बदलाव के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या बदलाव हैं, ये बदलाव क्या क्या हैं, ये आपको बताना जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। जो सबसे पहले चीज़ें, कुछ कॉमन जानकारियाँ बता दूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2020 में होना है, क्योंकि इसके फॉर्म जो थे वो नवंबर में भरे जा चुके थे, जिसके फॉर्म से वो नवंबर में भरे जा चुके थे। अब जो एग्ज़ाम होना है वो 2020 में होना है। इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपके थर्ड वीक ऑफ मार्च में आएगा, यानी आपको थर्ड वीक ऑफ मार्च तक एडमिट कार्ड आपका मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो तुरंत आप कॉन्टैक्ट करेंगे जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, या आप ऑनलाइन साइट पर जहाँ पर अपने फॉर्म भरा था वहीं से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब जो लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम है, जैसे बच्चे सोचते हैं कि हर एग्ज़ाम में जो होता है कि एक हिंदी लैंग्वेज होता है, इंग्लिश होता है, या इंग्लिश के साथ साथ एक रीजनल लैंग्वेज होता है, क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल जो इंग्लिश भाषा है बेटा, कभी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। नो अदर लैंग्वेजेस, कोई और अदर लैंग्वेजेस, कोई और लैंग्वेज की बात नहीं है, नो अदर लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज में ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगा। तो ये मन बना के चलेगा, अगर आप हिंदी बेल्ट से हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जीए का क्वेश्चन या आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्वेश्चन हिंदी में आ जाएगा, तो हिंदी में नहीं आएगा। अच्छा, एक खुशी की बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, आपके लिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो उसके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। अब जरा बता दूं कि कितने फॉर्म्स फिल हो चुके हैं अब तक, जो नंबर ऑफ फॉर्म्स फिल किए गए हैं, अगर आप बात करते हैं 2018 के, 2018 में 28,000 फॉर्म्स भरे गए थे। यानी जो कंपटीशन है अभी, ये जो कंपटीशन है ये अभी बहुत लो है, कंपटीशन बहुत कम है इसमें, यानी आने वाले साल में बढ़ेगा। जैसे आप देख सकते हो कि 2019 में ये 35,000 हो गया, 2018 में शुरू किया गया था, 2018 में 28,000 था, 2019 में 35,000, और अब तक जो पूरी एग्जैक्ट नंबर तो मेरे पास नहीं आया, लेकिन ये है, पता चला कि 20,000 फॉर्म्स तो डेफिनेटली है और काउंटिंग, यानी अभी और भी काउंट हो रहे हैं। जब एडमिट कार्ड आपका इशू होगा मार्च में, तब मेरे पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा और मैं वो जानकारी आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा अगले वीडियो में। अब कुछ बदलाव देखते हैं, क्या बदलाव है। जो सबसे पहला बदलाव जो चेंज है, जो चेंज नंबर वन मैं बात कर रहा हूँ, वो है कि 2018 में जो पेपर हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, यानी पेन एंड पेपर टेस्ट हुआ था। जो 2019 में हुआ था वो भी ऑफलाइन हुआ था, यानी पेन एंड पेपर टेस्ट हुआ था। लेकिन जो 2020 का टेस्ट है वो आपका CBT है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी क्या, ये टेस्ट जो आपका होगा ये ऑनलाइन होगा। और याद रखिएगा, जब भी ऑनलाइन पेपर होता है वो हमेशा टफ होता है, पिछले बार के मुकाबले टफ होता है। आपको बता दो, जब FCAT का पेपर ऑफलाइन से ऑनलाइन गया था तो उसका जो लेवल हुआ था बच्चे, वो लेवल उसका टफ हो गया था। तो इसी प्रकार से ये 2019 में ऑफलाइन था और ये 20 में ऑनलाइन जा रहा है, तो पेपर का जो लेवल होगा वो टफ होगा। जो दूसरा बदलाव आप देखना चाहते हैं, दूसरा बदलाव जो आपको पता होना चाहिए कि हाइट में बदलाव किया गया है। पहले 148 सेंटीमीटर जो था वो एक्सेप्टेबल था, लेकिन अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 152 सेंटीमीटर। यानी अगर आप 2018 के जो रिक्रूट्स हैं, लड़कियां जो 2019 में रिक्रूट हुई थी, वो अगर 148 सेंटीमीटर की थी तो उनको ले लिया गया था, लेकिन इस बार अब आपको 152 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, 148 पे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। और मैं एक बात बताऊंगा कि जब भी आप जाते हैं अपने मेडिकल के लिए, ये तो हाइट तक मेजर किया जाता है जब मेडिकल के लिए जाते हो, तो बेटा आप हाइट पहले मेजर कर लो। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका हाइट से 147 रह गया, जैसे रह गया था इनका, तो उनको हटा दिया, अगर आपकी हाइट 151 है या 150 है मेडिकल के समय जाते वक्त, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप पहले हाइट चेक कर लीजिए आपकी हाइट कितनी है, उसके बाद ये फॉर्म फिल करें। क्योंकि आप इतनी मेहनत करें, इतना संघर्ष करें और इसके लिए निकाल दिया जाए तो बहुत तकलीफ होती है। हाँ, लेकिन जो गढ़वाल और गोरखा लैंड की लड़कियां हैं, जो पहाड़ी लड़कियां हैं, उनके लिए अभी भी 148 सेंटीमीटर एक्सेप्टेबल है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए, गढ़वाल और गोरखा गर्ल्स के लिए है, ठीक है। बाकी के लिए अभी भी वो 152 सेंटीमीटर ही आपकी हाइट होनी चाहिए।
आगे चलते हैं। जो तीसरा बदलाव किया गया था, चेंज नंबर थ्री जो किया गया था, जो नंबर ऑफ सीट्स है एमएनएस में उसको बढ़ा दिया गया। पहले 162 160 था, 160 सीट्स थे, जिसको बढ़ा के 220 कर दिया गया। इसका रीजन क्या है कि इसकी ट्रेनिंग टफ होती है। देखिए, आप मिलिट्री को सर्व करने वाले हैं, आप नॉर्मल सिविलियंस को टफ मतलब सर्व नहीं करने वाले, तो कई बार आपकी पोस्टिंग वॉर पे या वॉर फील्ड पे या आपके कमांड्स में किया जाता है जो कि हॉस्पिटल से बाहर होते हैं, तो आपके फिजिकल फिटनेस भी उतना ही स्ट्रांग होता है। तो कई लड़कियां क्या करते हैं ट्रेनिंग के समय, वो उनको लगता है कि भाई आराम पसंद लड़कियां होंगी, वो इतना टफ रिजिम नहीं झेल पाती, तो वो ड्रॉप आउट कर देती है, ट्रेनिंग में छोड़ के चली जाती है। और कुछ जो है एमएनएस है वो 5 साल की सर्विस के बाद रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि ये टर्म आपको पता होगा कि 5 साल तक सर्विस आपको देना ज़रूरी है, तो इसके बाद वो रिज़ाइन कर देती है। तो अब ये जो ड्रॉप आउट हो गया और ये जो रिजिग्नेशन हो रहा है 5 साल के बाद, ये मिला के एक वैकेंसी क्रिएट करता है। तो इन वैकेंसीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो आपकी सीट्स है वो बढ़ा दी गई है, और ये वैकेंसी 5 साल में जितनी वैकेंसी मतलब बनती है ना, ये रिजाइन हुआ फिर ये ड्रॉप आउट हुआ, जो टोटल वैकेंसी बनाई तो उन्होंने बोला चलो ठीक है एक काम करते हैं, इस बार 220 सीट्स हम लोग निकालते हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले साल में सीट्स भी बढ़ेंगी और कॉम्पिटिशन भी टफ होगा। अब ज़रा देखते हैं, मैंने कहा जो चेंज नंबर 4 है, पहले सब्जेक्ट्स डिवाइडेड नहीं थे, आई मीन टू से साइंस वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है आपका, ये पहले डिवाइडेड नहीं था। इंग्लिश पहले भी 50 मार्क्स का था, आज भी 50 का है। रीजनिंग यानी जनरल इंटेलिजेंस जो आपके लिखा गया है, आप देखोगे उसमें GI लिखा गया, यानी जनरल इंटेलिजेंस लिखा गया है। जनरल इंटेलिजेंस पहले भी 50 मार्क्स का था, आज भी 50 मार्क्स का है। लेकिन पहले क्या होता था, ये साइंस का पार्ट था, उसको केवल साइंस लिख के छोड़ देते थे। ये बोलते थे ये केवल साइंस का पार्ट, आप तैयार कर लो। और उसमें पहले जो था, पहले जो फिजिक्स आई थी 2018 की बात करता हूँ और 2019 की बात करता हूँ, तो उसमें जो फिजिक्स आई थी वो 10 मार्क्स की आई थी, केमिस्ट्री 10 मार्क्स की आई थी, लेकिन जो बायो था वो 30 मार्क्स का था। फिर 19 में भी 10 मार्क्स का केमिस्ट्री, 10 मार्क्स का फिजिक्स और 30 मार्क का, और 30 मार्क का आपका बायो आया था। लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हो गया, इस बार ये पैटर्न नहीं है। इस बार पैटर्न क्या हुआ है कि आपको कैटेगरी सेक्शन में बांट दिया गया। फिजिक्स आपका आएगा अलग से 15 मार्क्स का, केमिस्ट्री आएगी आपकी 15 मार्क्स की, और बायोलॉजी आपकी आएगी 20 मार्क्स, यानी बायो का जो नंबर है थोड़ा सा घटा दिया गया। क्यों? वैसे तो देखा जाए बायो डोमिनेट डोमिनेट करना चाहिए, लेकिन अगेन कॉम्पिटिशन जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चेंजेस एग्जाम में होते चले जाएंगे। अब देखिए जो चेंज नंबर 5 है, ये जो सिलेबस है, मैंने अभी बोला था एग्जाम इस बार का कैसा होगा, इस बार का एग्जाम जो होगा टफ होगा। यानी अगर आप एक 10वीं बेस्ड का पढ़ के जा रहे हो साइंस, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, जो अगर आप 10th बेस्ड का पढ़ के जा रहे हो ना, तो वो किसी काम का नहीं है, वेस्ट, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस बार लेवल आपसे जो पूछेगा वो +1 और +2 का लेवल ही पूछेगा। यानी क्या, आपको दोनों तैयार करना पड़ेगा, आपको NCERT भी तैयार करना है और आपको नीट लेवल भी तैयार करना है। क्योंकि जो आपका PC भी पूछेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायो आपसे पूछेगा, वो आपको नीट लेवल का पूछेगा और NCERT दोनों कंबाइंड पूछेगा। तो लेवल आप समझ लो टफ होता है। तो इस बार जो लेवल है वो टफ होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इन्फॉर्म करता रहा, सबसे पहले इसी चैनल में बता रहा हूँ कि आपका लेवल टफ होगा, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करिएगा। जो छठा जो चेंज आया है, इस बार नो स्टाइपेंड, यानी नो स्टाइपेंड मतलब क्या, पहले ना मंथली आपको 150 रुपीज पर मंथ आपको 2018 में, अगर मैं बात करूँ या 2019 में बात करूँ, तो 2018 और 2019 में आपको पर मंथ 150 रुपीज का जो था वो स्टाइपेंड मिलता था। लेकिन अब इस बार वो नहीं है, आपको एनुअली दिया जाएगा, जो भी स्टाइपेंड होगा एनुअली दिया जाएगा, लेकिन अब वो वाला आपको मंथली बेस पे नहीं मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये एग्जाम पहले UPSC कराता था, लेकिन इस बार ये एग्जाम UPSC नहीं करा रहा है। जी हाँ, ये बार इस बार ये एग्जाम UPSC नहीं करा रहा है, इसको बाकी एजेंसीज करा रही है। जो सुनने में आ रहा है FMC जो है आर्म फोर्सेस मेडिकल कैडेट जो कि पुणे में है, शायद वो कराए, ठीक है जी। तो UPSC इसको नहीं करा रहा है एग्जाम को, इस बार UPSC इसको एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा रहा, लेकिन फिर भी लेवल तो टफ ही होगा, जो लेवल होगा एग्जाम का वो तो आपका टफ ही होगा, ठीक है जी।